नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल हैदराबादी चैनल यहां से। तो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है आपको मालूम लग गया होगा कि किस बारे में है। एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है वर्ड्स में एम्बुलेंस के सामने। यही नहीं दोस्तों, और भी मेरे थोड़े क्वेश्चन है, जाहिर होंगे मेरे क्वेश्चन से आपको भी उसके आंसर्स जानने की इच्छा होगी, तो जरूर पूरा वीडियो देखिए। ये सिर्फ वर्ड्स का ही रिलेटेड नहीं है, बाकी बहुत डिटेल्ड में है वीडियो, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जो मैं बताने वाला हूं आपको, पहली चीज, एम्बुलेंस किसी भी देश में आप जाइए, सामने जो फ्रंट होता है व्हीकल, जैसा आप देख सकते हो यहाँ इमेज में, वहां पे आप एम्बुलेंस बड़े अक्षरों में अपोजिट में क्यों लिखते हैं। ये बहुत लोगों से जब मैंने पूछा तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट आंसर आए, बट जब मैंने सर्च किया, जब मैं मुझे लगा कि मुझे ये टॉपिक उठाना चाहिए, यही नहीं और उसका डिटेल में ले जाना चाहिए उस टॉपिक को, तो मैं आज ये टॉपिक में चुना हूँ। तो दोस्तों, सिंपल सा चीज़ है, एम्बुलेंस सामने जो ऑपोजिट वर्ड में इसीलिए लिखा जाता है क्योंकि किसी भी देश में हो ये फॉलो करते हैं 99.9%। तो आगे जो भी गाड़ी ट्रक हो, ड्राइवर कार हो या हो मोटरसाइकिल, तो मिरर में उसको एम्बुलेंस बोल के दिखाई देता है दोस्तों, तो एम्बुलेंस बोल के दिखाई देता है दोस्तों, तो वो है असली वजह। बट दोस्तों, यही नहीं होता है कि आपका क्वेश्चन ये भी होना चाहिए कि साइड में, बैक साइड में भी ऑपोजिट होता है, नहीं होता है, वो सिर्फ नॉर्मल वर्ड्स में होता है एम्बुलेंस, जो सही वर्ड में होता है, पीछे हो साइड में हो, जैसा आप इमेज में देख सकते हो। तो इसका मतलब यही है कि जो उल्टा एम्बुलेंस लिखा हुआ है, जनरली मिरर में क्या होता है, हमें ऑपोजिट दिखता है, तो इसीलिए। बट दोस्तों, ये चीज़ तो समझ आती है, दिखने के लिए होता है, बट जनरली जो सायरन होता है उसमें लाइट, नॉर्मली ऐसा भी हो सकता था कि साउंड लगा दे कि एम्बुलेंस का जो साउंड होता था, बट वो ऊपर का जो ऑप्शन होता है, वो लाइट का जो ऊपर गाड़ी के ऊपर एम्बुलेंस के ऊपर होता, अपने को वो कलर्स रिफ्लेक्ट होता है, वो किस लिए, स्पेशली इन द नाइट जब कोई एम्बुलेंस जाती है तो वो रंग जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, जिससे कि आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि कार में नॉइस रिडक्शन के लिए दरवाजे बंद करो, बाहर कोई हॉर्न मारो, सुनाई नहीं देगा, अगर वो दूर है एम्बुलेंस तो अपने को सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए वो जो ब्लिंकिंग है नॉर्मली नाइट टाइम पे या डे टाइम में भी जो वो रिफ्लेक्शन होता है, तो अपने मिरर्स चमकते हैं, जिससे कि अपना ध्यान वहाँ जाता है, तो हमें पता लगता है कि यार ये एम्बुलेंस आ रही है, हमें जगह देना चाहिए दोस्तों। तो मेरा अब क्वेश्चन, शायद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, तो आज अभी मेरा क्वेश्चन मेरा ये है, साउंड के साथ जो भी स्कूल का सिलेबस होता है, क्यों ना ये कवर किया जाए। बचपन में मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता था कि ज़ीब्रा क्रॉसिंग क्या है। अभी भी आप कहीं भी गांव में या इवन अच्छे जो छोटे मोटे सिटीज़ हैं, वहाँ भी अगर लोगों को पूछोगे तो ज़ीब्रा क्रॉसिंग का क्या एडवांटेजेस है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं, वो भी नहीं पता है दोस्तों। यही नहीं दोस्तों, और एक चीज़ है जो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, यार मैं कभी भी जाता हूँ, कितना भी बड़ा सिटी हो, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, बाकी का सिटी मैंने नहीं देखा है, बट मैं हैदराबाद की बात करता हूँ, तो दोस्तों जब भी गाड़ी एम्बुलेंस को मैं देखता हूँ, जब सिग्नल गिरता है, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं कि हर ट्रैफिक पुलिस वाला करता है, बट मैंने जो ऑब्जर्व किया है जो लोकेशन में, तो मुझे क्या लगता है कि उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि जो सिग्नल, अगर मान लो ये लेन में एम्बुलेंस खड़ी है, सिग्नल गिरा हुआ है, तो मैनुअल करके उसको सिग्नल दे देना चाहिए, जिससे कि एक सेकंड का फर्क होता है ज़िंदगी और लाइफ के बीच में दोस्तों। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि एम्बुलेंस को कुछ ऐसी अथॉरिटी दीजिए या फिर ऐसा कुछ स्विच दीजिए, ताकि वो ट्रैफिक में ना फंसे, कि बटन दबाए सिग्नल खुल जाए और वो चली जाए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो आपका क्या विचार है, ज़रूर कमेंट में लिखिए कि आप मेरे साथ सहमत है या नहीं। ये मैं सोशल अवेयरनेस के ऊपर ये टॉपिक्स में क्यों उठा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शायद मेरे वीडियो से कहीं एक बंदे को असर हो और वो शेयर करे उस बड़े आदमी को या किसी कंसर्न पर्सन को, ताकि ये चेंज हो सके। ये छोटा है, अगर ये मेरी वीडियो से भी अगर कोई इंस्पायर होके, वो बड़ा कोई इंस्पायर होके अगर वीडियो बनाता है तो भी अच्छा ही है, क्योंकि आखिर अपना देश सुधरेगा दोस्तों। और एक चीज़ होती है,
तो जब स्कूल में सिलेबस होता है तो क्यों नहीं सिखाते हैं कि, क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस था जो स्कूल में था, एम्बुलेंस के बारे में मुझे कुछ नहीं पढ़ाया जाता था। सिर्फ बोलते थे कि 108 का जो फ्री है, शायद वो स्कूल में था या नहीं पता नहीं, बट जो एम्बुलेंस होती है पेशेंट को लेके जाते हैं। बट मुझे यहाँ तक नहीं पता था कि यार स्कूल की बात कर रहा हूँ यार, जनरली अभी तो मालूम है बट स्कूल की बात कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि एम्बुलेंस को अथॉरिटी होती है कि वो रॉन्ग साइड जा सके और कहीं भी टर्न ले सके। हमें साइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसमें जो पेशेंट का इलाज नहीं होता है वो यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाते हैं सिर्फ फर्स्ट एड देके, ताकि वो मरीज बच सके, इसलिए हमें साइड देना चाहिए। ये सब नहीं पता, ये जनरली कॉमन सेंस की बात लगती है बट लोगों को नहीं मालूम होती है। बट ये सजेशन है कि ये क्यों ना स्टडीज में इंक्लूड करें, जिससे कि पता चले। आज भी हम देखते हैं जीब्रा क्रॉसिंग तक यार रुकते ही नहीं, सीधा गाड़ी चला देते हैं। बट अभी अभी देश सुधर रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि क्यों ना सिलेबस में जो बेसिक थिंग है बच्चों को मालूम हो सके। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को भी कुछ पढ़ाए जिससे कि उनको भी बेसिक जनरल नॉलेज हो। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए तो लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से और उनसे भी राय पूछिए, और जितना शेयर कर सको उतना अच्छा होगा, ताकि बहुत लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट जरूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसे लगा और क्या सोचते हो। और मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी चीज बताने वाला हूँ जैसा दोस्तों आपको गर्व होगा और आपको चौंक जाओगे कि जो हनुमान चालीसा का जो होता है वो एक साइंटिफिकली प्रूवन है, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। वो आने वाले वीडियो में मैं जरूर बताऊंगा, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो अपडेट मिस ना करो। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।